अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वैसनवर है और चैप्टर नंबर 5 के अंदर ही अब ये लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है मियोसिस। तो जिस तरह माइटोसिस हमने पढ़ा था एक टाइप की सेल डिवीजन थी, बिल्कुल इसी तरह मियोसिस भी एक टाइप की सेल डिवीजन है, यानी ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर सेल जो है वो अपना नंबर इंक्रीज करता है। अच्छा, माइटोसिस और मियोसिस के अंदर मैंने शायद फ़र्क पहले भी बताया था, मैं दोबारा बता दूँ। माइटोसिस के अंदर जो है जब सेल डिवाइड होता है तो एक सेल के डिवीजन से जो है वो दो सेल बनता है, जबकि मियोसिस के अंदर एक सेल जब डिवाइड होता है तो उससे चार सेल बनते हैं। सेकेंड, अगर हम देखें तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है इसके अंदर सेम रहता है, यानी माइटोसिस के अंदर जितना पेरेंट सेल के अंदर था उतना ही डॉटर सेल के अंदर रहता है, लेकिन मियोसिस के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ हो जाता है। ये जितने भी सेल्स बने हैं उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक सेल है जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स थे और वो डिवाइड हुआ तो उससे पहली बार चार सेल बनेंगे और हर सेल के अंदर 46 का हाफ जाएगा, यानी 23 क्रोमोसोम्स जो हैं वो चारों सेल्स के अंदर जाएंगे। कैसे जाएंगे उस पर अभी हम बात करते हैं। थर्ड, माइटोसिस जो होता है वो आपके दोनों तरह के सेल्स के अंदर होता है, यानी एक सेल्स हमारे वो हैं जिन्हें हम कहते हैं सोमैटिक सेल्स, ठीक है। मेनली जो माइटोसिस है वो इन सेल्स का होता है। सोमैटिक वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी को बनाते हैं, यानी जितने भी स्ट्रक्चर हमारी बॉडी के बने हैं जिनका कोई ताल्लुक रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होता, और ये हम कहते हैं सोमैटिक सेल्स। तो सोमैटिक सेल्स के अंदर माइटोसिस होता है। इसके अलावा हमारे पास गैमेट्स बनाने वाले जो सेल्स हैं, जर्म सेल्स, उनके अंदर भी माइटोसिस होता है, ठीक है, क्योंकि उन्हें भी अपना नंबर जो है वो कांस्टेंट रखना होता है। तो दोनों के अंदर जो है वो माइटोसिस होता है, लेकिन मियोसिस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ जर्म सेल के अंदर होता है। यानी जर्म सेल्स जो हैं ये दोनों तरह के डिविजन्स कर सकते हैं, ये माइटोसिस भी करते हैं ताकि अपने ही जैसे और पैदा कर सकें, और ये मियोसिस करते हैं, जब ये मियोसिस करते हैं तो इसके नतीजे में ये पैदा करते हैं गैमेट्स। इनमें और इनमें फ़र्क होता है कि जर्म सेल के अंदर पूरे नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जबकि गैमेट्स के अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो ये बेसिक से डिफरेंस। इसके अलावा माइटोसिस इंपॉर्टेंट है आपकी ग्रोथ के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए, जबकि मियोसिस जो है ये इंपॉर्टेंट है आपकी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो मियोसिस का बेसिक ओवरव्यू हो गया। ये ऐसी टाइप की सेल डिवीजन है जिसमें एक सेल डिवाइड होता है तो चार सेल बनते हैं, चार जिन्हें हम डॉटर सेल्स कहते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ हो जाता है। अच्छा, एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर जो मियोसिस है वो डिफरेंट टाइम्स पे होता है। यानी एनिमल के अंदर जब गैमेट्स बनते हैं तब मियोसिस होता है। तो मेल के अंदर जब स्पर्म बन रहा होगा और फीमेल के अंदर जब एग्स बन रहे होंगे तब एनिमल के अंदर जो है जो प्रोसेस होगा वो मियोसिस होगा। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस के नतीजे में जो गैमेट्स बनने हैं उनमें हाफ क्रोमोसोम जा रहे हैं, क्योंकि एक स्पर्म आएगा और एक एग आएगा। तो इंसानों की अगर हम बात करें तो इंसानों में 46 क्रोमोसोम होता है। तो ये 46 तभी होंगे जब स्पर्म में 23 हों और एग में 23 हों, और इनमें 23 तभी होंगे जब ये किस चीज़ से बने हों, ये मियोसिस के नतीजे में बने हुए हों। तो एनिमल्स के अंदर जब गैमेट्स बनते हैं तब उनके अंदर मियोसिस होता है, लेकिन प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं होता। अगर बताए प्लांट्स के अंदर दोनों तरह की रिप्रोडक्शन होती है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो जाहिर है गैमेट्स कब बनेंगे? गैमेट्स बनेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में, लेकिन यहाँ पर मियोसिस नहीं होता प्लांट्स के अंदर, यहाँ पर माइटोसिस होता है, ठीक है। प्लांट्स के अंदर जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उस वक्त मियोसिस होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में बनते हैं स्पोर्स, और स्पोर्स के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो हाफ होता है, एन का मतलब हाफ, हैप्लॉइड। और जो प्लांट है जिसके अंदर से ये स्पोर बन रहे हैं उसके अंदर पूरे नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो वो कौन सी सेल डिवीजन है जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है? तो वो सेल डिवीजन है मियोसिस। तो प्लांट्स के अंदर जब स्पोर फॉर्मेशन होती है तब मियोसिस होता है, एनिमल्स के अंदर जब गैमेट फॉर्मेशन होती है तब मियोसिस होता है, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर एक सेल होता है जिसको हम कहते हैं स्पोर मदर सेल, वो इस प्लांट के अंदर होगा जिसके अंदर पूरे नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। जब ये डिवाइड करेगा मियोसिस से तो ये बनाएगा स्पोर्स, और स्पोर्स के अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये मियोसिस का ओवरव्यू दिया हुआ है, इसके ऊपर आएंगे हम। पहले ज़रा स्टार्ट करते हैं। माइटोसिस बहुत सिंपल था, ये हमारे पास एक सेल था, इसने डिवाइड किया और इसने दो सेल बना दिए, ठीक है, ये माइटोसिस कंप्लीट हो गया। जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें थे उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें भी आ गए, 46। मियोसिस के अंदर ऐसा नहीं होता। मियोसिस के अंदर ये होता है, मियोसिस पहली बात एक बार में डिवीजन नहीं होती, बल्कि मियोसिस के अंदर दो डिवीजन्स होते हैं। पहले डिवीजन को हम नाम देते हैं मियोसिस वन का, सेकंड डिवीजन को हम नाम देते हैं मियोसिस टू का, ठीक है। तो देखें टोटल जो है इस सेल से जो टोटल नंबर ऑफ सेल बन रहे हैं वो चार सेल बन रहे हैं। जो पहली डिवीजन है उसको हम कहते हैं मियोसिस वन। अच्छा, अगर इस सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम थे तो पहली डिवीजन के अंदर ही ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है, यानी इधर गए 23 और इधर भी गए 23, तो ये मियोसिस वन कहलाता है। इसीलिए इसी वजह से मियोसिस वन को हम नाम देते हैं रिडक्शन डिवीजन का।
रिडक्शन डिवीजन का मतलब यह है कि यही वो डिवीजन होती है कि जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है, तो इसे हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। इसके बाद होती है मियोसिस टू। मियोसिस टू के नतीजे में ये जो दो, मियोसिस वन के नतीजे में जो दो सेल बने थे, अब वो दोबारा डिवाइड करते हैं और हर एक से दो सेल बनते हैं, तो इससे भी दो सेल बनेंगे, इससे भी दो सेल बनेंगे, लेकिन अब की बार नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सेम रहता है, अब की बार नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो और हाफ नहीं होता। और यही वजह है कि जो कहानी स्टार्ट हुई थी 46 से, वो कहानी एंड हुई है 23 के ऊपर। हालांकि दो डिवीजन हो रही है, अगर दो बार हाफ करेंगे आप तो बहुत कम नंबर हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा, 11.5 आई थिंक। तो ऐसा नहीं होता, पहली जो डिवीजन होती है जिसे आप मियोसिस वन कहते हैं उसको हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि इसी डिवीजन के दौरान नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। और सेकंड डिवीजन के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, सेकंड डिवीजन के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है। तो इस तरह से एक सेल डिवाइड होता है तो चार सेल बनते हैं और नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल के मुकाबले में हो जाता है हाफ। अच्छा, जिस तरह माइटोसिस को आपने डिवाइड किया था चार फेजेस के अंदर, प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टेलोफेज है, इसी तरह मियोसिस की दोनों डिवीजन्स को, मियोसिस वन को भी और मियोसिस टू को भी आप चार चार फेजेस में डिवाइड करेंगे। मियोसिस वन को जब डिवाइड करेंगे तो सबके साथ वन लगाएंगे, प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टेलोफेज वन, और मियोसिस टू को जब डिवाइड करेंगे तो उसके साथ टू लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मियोसिस वन को। अच्छा, मियोसिस वन के भी चार स्टेजेस होते हैं जिस तरह हमने बात की। इसका जो सबसे लेंथी स्टेज होता है और सबसे डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होता है वो प्रोफेज वन होता है। मेटाफेज वन सिंपल है, एनाफेज वन सिंपल है, टेलोफेज वन सिंपल है। जो प्रोफेज वन है वो थोड़ा सा लार्ज होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, एंड दैट इज़ वाई उसे फर्दर डिवाइड किया जाता है पांच सब स्टेजेस के अंदर। एक को हम कहते हैं लेप्टोटीन, एक को हम कहते हैं जाइगोटीन, एक को हम कहते हैं पैकेटीन, एक को हम कहते हैं डिप्लोटीन, और एक को हम कहते हैं डायकाइनेसिस। तो ये पांच सब स्टेजेस हैं, हर एक सब स्टेज के अंदर आपको कुछ ना कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं, कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। तो ये पांच सब स्टेजेस हैं, ये मियोसिस वन के, प्रोफेज वन के पांच सब स्टेजेस हैं, ठीक है। नाउ सबसे पहला हमारे पास है लेप्टोटीन, यानी जब सेल जो है वो डिवीजन के अंदर एंटर हुआ है उस वक्त जो है वो आपको क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। अच्छा, ये बताने की जो ज़रूरत नहीं है कि अगर मियोसिस में या माइटोसिस में सेल एंटर हुआ है तो इससे पहले ये वाला फेज़ जो है ये डिवीजन वाला फेज़ होता है। आपको याद होगा इससे पहले एक नॉन डिवाइडिंग फेज़ होता है जिसको हम नाम दे रहे थे इंटर फेज़ का। तो ऑब्वियसली ये सेल जो है अगर डिवीजन की तरफ जा रहा है तो ये इंटर फेज़ से गुजर चुका है। तो अगर हम एक सेल बनाएं, ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है, ये हमारे पास एक सेल है, मेम्ब्रेन हो गई, इसका न्यूक्लियस आ गया, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन हो गई। अब इसके अंदर थे ये क्रोमोसोम, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे क्रोमोसोम्स थे, लेकिन उनकी हालत ऐसी थी कि ये सिंगल सिंगल थे। तो जब ये इंटरफेस से गुजर जाएगा तो हर क्रोमोसोम की हालत जो हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, हर क्रोमोसोम की हालत कुछ इस तरह की हो जाएगी, क्योंकि हर क्रोमोसोम अपनी क्या बनाता है, हर क्रोमोसोम अपनी कॉपी बनाता है। तो जो सेल मियोसिस वन में एंटर हुआ है यानी प्रोफेज वन में एंटर हुआ है उसके अंदर हर क्रोमोसोम इस हालत में मौजूद है। इस हालत का मतलब यह है कि सिंगल धागा नहीं है बल्कि डबल डबल धागे की फॉर्म में मौजूद है, क्योंकि ये काम कब हुआ था, ये काम मियोसिस में जाने से पहले इंटरफेज में हो चुका है। इंटरफेज का एस फेज होता है जिसके अंदर जो क्रोमोसोम है वो अपनी कॉपी बनाता है या डीएनए जो है वो अपनी कॉपी बनाता है। तो ये बात अंडरस्टूड है। सिमिलरली आपको पता है कि जो दूसरे ऑर्गेनल्स हैं वो भी डिवाइड हो चुके होते हैं, तो आपके जो सेंट्रियोल हैं, ठीक है, वो सेंट्रियोल जो हैं वो भी डिवाइड हो चुके होते हैं, उनकी भी दो कॉपीज जो हैं वो इस सेल के अंदर मौजूद होती हैं। तो ये सारा काम जो है ये मियोसिस वन में एंटर होने से पहले हो चुका है। अच्छा, तो हमें लेप्टोटीन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, यानी अब प्रोफेज वन का जो सबसे पहला सब स्टेज है लेप्टोटीन, उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा। तो भैया हमारे पास जब आप, आपको पता है जब प्रोफेज के अंदर आप सेल को देखते हैं तो उसके अंदर जो क्रोमोसोम आपको नज़र आते हैं वो उलझे हुए होते हैं, यानी अलग अलग नज़र नहीं आते बल्कि वो आपको इस फॉर्म के अंदर नज़र आते हैं। तो अब जब ये सेल एंटर हो गया है प्रोफेज वन के अंदर तो लेप्टोटीन जब स्टेज आएगा तो ये जो क्रोमोसोम है ये अलग अलग होना शुरू हो जाएंगे, तो आपको कुछ ऐसी हालत नज़र आएगी इन क्रोमोसोम्स की, ये बहुत बारीक बारीक फॉर्म के अंदर जो है ये अलग अलग होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, ये आपको बहुत बारीक बारीक नज़र आएंगे। तो क्रोमैटिन जो है आपका ये ब्रेक होना शुरू हो रहा है। पहले क्रोमैटिन ऐसा था कि सारे के सारे क्रोमोसोम उलझे हुए थे, अब ये ब्रेक हो रहा है और ब्रेक होने के बाद जो है ये आपको नज़र आ रहा है कि बारीक बारीक धागों के अंदर। अच्छा, ये बारीक बारीक धागे भी अगर आप गौर से देखें तो आपको लगेगा कि हर थोड़े से डिस्टेंस के ऊपर जो है वो छोटा छोटा छोटी छोटी कंडेंसेशन है, ठीक है, जिस तरह आपका मोती वाला हार होता है, तो हर थोड़े से धागे के बाद एक मोती होता है, ठीक है, फिर एक धागे के बाद मोती होता है, बिल्कुल इसी तरह ये बीडेड अपीयरेंस आपको मिलेगी इसके अंदर।
ठीक है, इस वीडिड अपेयरेंस को जो है वो हम नाम देते हैं क्रोमोनेमेटा का। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो लॉन्ग थिन बीड इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है इन्हें लेप्टोटीन कहते हैं। ये गलत लिखा हुआ है, लेप्टोटीन तो स्टेज का नाम है, ठीक है, इस स्टेज को लेप्टोटीन कहते हैं। और इसके अंदर ये जो क्रोमोसोम की बहुत बारीक वाली हालत आपको नजर आती है, बीडेड नजर आती है, बीडेड ऐसे समझ लें जैसे आपकी तस्बीह होती है, तस्बीह के अंदर तो दाने के बाद फौरन दाना होता है ना, लेकिन इसके अंदर आप समझ लें कि धागा है, फिर दाना है, फिर धागा है, फिर दाना है, फिर धागा है, फिर दाना है, तो ये ऐसा लग रहा है कि मोतियों का हार है। तो ये जो बीडेड अपीयरेंस है क्रोमोसोम की, इसको हम नाम देते हैं क्रोमोनेमेटा का। ये बारीक बारीक हालत आपको नजर आती है लेप्टोटीन के अंदर। तो लेप्टोडीन के अंदर जो है वो आपको क्रोमोसोम जिस हालत के अंदर नजर आते हैं उसको क्रोमोनेमेटा कहते हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इस वक्त में दाखिल होने से पहले हर क्रोमोसोम अपनी क्या बना चुका है, हर क्रोमोसोम अपनी कॉपी बना चुका है। तो आपको बज़ाहिर तो नज़र आ रहा है कि ये क्रोमोसोम एक धागा है, लेकिन एक्चुअली इसके अंदर दो धागे हैं अगर मैं बनाऊँ यहाँ पर, लेकिन ये धागे इतना करीब हैं कि इतना क्लियर आपको नज़र नहीं आता। इस तरह के ये दो धागे मौजूद हैं क्योंकि क्रोमोसोम अपनी कॉपी बना चुका है। तो हर थ्रेड जो है उसके पास दो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर यानी बिल्कुल एक जैसे जो है वो क्रोमैटिड्स मौजूद हैं इसके अंदर। अच्छा नहीं, ये यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको कि हर क्रोमोसोम की हालत ऐसी है कि उसके अंदर दो धागे मौजूद हैं, ये आपको याद होगा, ये हम इन्हें नाम देते हैं क्रोमैटिड्स का, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड क्रोमैटिड्स। अच्छा, इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है जिन्हें हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम का, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट क्या है? हमारे पास दो क्रोमोसोम जो हैं वो ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सेम कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन लगी हुई होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास क्रोमोसोम है एक, इसके ऊपर अगर मैं यहाँ देखूँ तो मेरे हेयर कलर की इंफॉर्मेशन है कि मेरे बालों का कलर कैसा होगा। अच्छा, मेरे पास इस तरह का एक क्रोमोसोम नहीं होगा बल्कि मेरे पास इस तरह के दो होंगे, और जब मैं दूसरे क्रोमोसोम को देखूँगा उसके ऊपर भी इसी पॉइंट के ऊपर हेयर कलर की इंफॉर्मेशन लगी होगी। सिमिलरली, अगर इसी क्रोमोसोम पर यहाँ पर लगी हुई है मेरी हाइट की इंफॉर्मेशन, तो ये जो दूसरा क्रोमोसोम है इसके ऊपर भी इसी जगह के ऊपर मेरी हाइट की इंफॉर्मेशन लगी होगी। ऐसे क्रोमोसोम्स जो हैं, ऐसे क्रोमोसोम्स जिनके ऊपर सेम कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन लगी होती है, ऐसे क्रोमोसोम्स कहलाते हैं होमोलोगस। ये कहाँ से आए? अगर ये मेरा सेल है तो मेरे पास एक आया है मेरे फादर से और एक आया है मेरी मदर से। आपको बताए कि आधे क्रोमोसोम्स जो हैं वो आते हैं स्पर्म से और आधे क्रोमोसोम जो आते हैं वो आते हैं ओवम से। तो हर क्रोमोसोम जो कि फादर से आता है उसकी एक कॉपी आपके पास मदर से भी आते हैं। लेकिन क्या ये दोनों एग्जैक्टली सेम होते हैं? नहीं, ये सिमिलर होते हैं। सिमिलर होने का मतलब क्या? मान लें कि आपका हेयर कलर जो है वो ब्लैक है, ठीक है। आपका हेयर कलर क्या है? आपका हेयर कलर ब्लैक है। तो हो सकता है कि इस वाले क्रोमोसोम पे यहाँ पर ब्लैक कलर करवाने वाली इंफॉर्मेशन हो, लेकिन इस वाले क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ पे रेड कलर करवाने वाली इन्फॉर्मेशन हो। तो ऑल्दो दोनों के ऊपर सेम कैरेक्टर की इन्फॉर्मेशन लगी हुई है, वो कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर हेयर कलर है, लेकिन इन्फॉर्मेशन डिफरेंट हो सकती है। यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन चाह रही है कि मैं ब्लैक कलर प्रोड्यूस करवाऊँ, यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन चाह रही है कि मैं रेड कलर प्रोड्यूस करवाऊँ, लेकिन हो ब्लैक कलर रहा है। उसका रीज़न ये होता है कि ब्लैक कलर करवाने वाली जो जीन होती है, इसको हम जीन कहते हैं, एक यूनिट जो होता है इसको हम जीन कहते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग होती है, तो ये अपना काम कर लेती है लेकिन इसको अपना काम करने नहीं देती। लेकिन चूंकि दोनों जगह सेम एग्जैक्टली सेम इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है, तो मैं इसे सेम नहीं कहता। मैं क्या कहता हूँ इसे? मैं कहता हूँ इसे ये सिमिलर है। इनकी हाइट जो होती है या इनकी जो लेंथ होती है दोनों क्रोमोसोम की, वो बराबर होती है। इनके ऊपर एग्जैक्टली सेम रीजन के ऊपर सेम कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाली इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन इन्फॉर्मेशन के अंदर डिफरेंसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जो हाइट की इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है वो टॉल करवाना चाह रही हो, लेकिन यहाँ पे जो हाइट की इन्फॉर्मेशन है वो शॉर्ट या ड्वार्फ करवाना चाह रही हो। तो दोनों के ऊपर इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है? डिफरेंस हो सकता है, लेकिन कैरेक्टर क्या है? दोनों के ऊपर, दोनों जगह, दोनों क्रोमोसोम के ऊपर ये जो जीन है ये हाइट को ही कंट्रोल कर रही है। तो ऐसे क्रोमोसोम्स कहलाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। तो हमारे पास हर क्रोमोसोम जो आपको इस सेल के अंदर नजर आएगा, चाहे वो इस हालत के अंदर है, इसी के जैसा इतनी ही हाइट का एक और स्ट्रक्चर इस तरह का आपको इस सेल में नजर आएगा, जिसको आप नाम देते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम का। तो पहली बात यह है कि लेप्टोटीन के अंदर आपको जो क्रोमोसोम नजर आएंगे उनकी हालत ऐसी होगी कि हर क्रोमोसोम जो है उसके दो धागे होंगे। ये एक क्रोमोसोम है, इसके दो धागे हैं, लेकिन अभी बहुत बारीक बारीक है। और इस तरह का एक स्ट्रक्चर नहीं होगा, हर जो धागा है इस तरह का उसकी एक और कॉपी जो है वो मौजूद होगी, जो अभी हम देखेंगे कि एक दूसरे के करीब आएंगी और जोड़ियां बनाएंगे।
तो ऐसी दो कॉपीज जो हैं ये आपस में कहलाती हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। नाउ अंडरस्टैंड दिस, इस क्रोमोसोम के अंदर जो दो धागे हैं ये कहलाते हैं क्रोमैटिड्स, और इनकी इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली सेम है क्योंकि ये एक दूसरे की डिटो कॉपी है। लेकिन इस क्रोमोसोम के जैसा एक और क्रोमोसोम अगर मैं लाके खड़ा कर रहा हूं यहां पे, तो ये दो क्रोमोसोम जो है, एक ये क्रोमोसोम पूरा और एक ये क्रोमोसोम पूरा, इनकी इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली सेम नहीं होगी, इनकी इंफॉर्मेशन के अंदर माइनर डिफरेंसेस होंगे। ये दोनों जो हैं, जो मुझे एक फादर से मिला है और एक मदर से मिला है, ये दोनों कहलाते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर्स, या ये दोनों कहलाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं सेकेंड सब स्टेज के ऊपर जिसको हम नाम देते हैं जाइगोटीन का। अब इस जाइगोटीन के अंदर वो जो सिमिलर स्ट्रक्चर्स थे जिनके ऊपर सेम कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन लगी हुई थी, जो मुझे एक फादर से मिला है एक मुझे मदर से मिला है, वो एक दूसरे के साथ आ जाते हैं। पहले सेल में इधर उधर पड़े हुए थे, अब वो एक दूसरे के साथ आ जाते हैं, और साथ आने के बाद जो है वो लेंथ वाइज जोड़ियाँ बनाते हैं। तो जाहिर है मैंने आपको बताया था कि जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे उनकी लेंथ एग्जैक्टली सेम होगी, लेंथ एग्जैक्टली सेम होगी, उनके ऊपर इंफॉर्मेशन डिफरेंट हो सकती है। तो लेंथ वाइज ये जोड़ियाँ बनाते हैं, इस जोड़ी बनाने के प्रोसेस को हम नाम देते हैं साइनाप्सिस का। मैं अगर बना के दिखाऊँ आपको, तो ये हमारे पास सेल है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये इसका सेंट्रोमेयर है, और ये इतना बारीक है अभी, ठीक है, कि क्लियरली नज़र नहीं आ रहा कि इसके दो धागे हैं, बट इसके दो धागे हैं। ये हो गया क्रोमोसोम नंबर वन, ठीक है, अभी हम नाम दे रहे हैं इसको क्रोमोसोम नंबर वन का। इसी की तरह का इतनी ही लेंथ का एक और क्रोमोसोम जो है वो सपोज यहाँ पे पड़ा हुआ था, यहाँ पे पड़ा हुआ था, ठीक है, पहले यहाँ पे पड़ा हुआ था, इसको हम नाम देते हैं क्रोमोसोम नंबर टू का। ये क्रोमोसोम जो है ये मूव करके आएगा क्रोमोसोम नंबर वन के बराबर में, और इसकी लेंथ के बराबर ही होगा, ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया क्रोमोसोम नंबर टू का। तो ये दोनों लेंथ वाइज जो है वो जोड़ी बनाएंगे, और इनके दरमियान इनको होल्ड करने के लिए एक एपरेटस होता है जो कि इन्हें होल्ड करेगा। इस जोड़ी को हम कहते हैं साइनाप्सिस, और ये जो स्ट्रक्चर बना है कि जिसके अंदर अभी आपको नज़र आ रहा है कि दो क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है पूरा क्रोमोसोम नंबर वन, और इसके बराबर में ये दूसरा क्रोमोसोम है क्रोमोसोम नंबर टू। तो ये दो क्रोमोसोम ने मिलकर, जिस तरह आपके हाथ की दो उंगलियाँ होती हैं, ये एक उंगली और ये दूसरी उंगली, जैसे आप विक्ट्री का साइन बनाते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह ये दो क्रोमोसोम है। इस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है बायवेलेंट का, सो ये बायवेलेंट है। इसी तरह ये क्रोमोसोम नंबर ये क्रोमोसोम नंबर थ्री है, ठीक है, इसका मैं शेप थोड़ा सा डिफरेंट बना रहा हूँ। ये क्रोमोसोम नंबर थ्री है और ये क्रोमोसोम नंबर फोर है, ये दोनों भी लेंथ के अंदर बिल्कुल बराबर हैं, तो ये दोनों भी आपस में क्या बनाएंगे, ये दोनों भी आपस में जोड़ी बनाएंगे, इसको भी हम नाम देंगे साइनाप्सिस का। और ये जो जोड़ी बनी है, चूंकि इसमें दो क्रोमोसोम है, अभी दो क्रोमोसोम है, मैंने आपको बताया था कि ये पूरा जो है ये एक क्रोमोसोम है और ये भी पूरा एक क्रोमोसोम है, तो ये दो क्रोमोसोम की जो जोड़ी है ये भी कहलाएगी बायवेलेंट। तो जाइगोटीन के अंदर जो चीज़ आपको नजर आती है वो ये है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, जो सिमिलर स्ट्रक्चर वाले क्रोमोसोम है, जो एक मुझे फादर से मिला है एक मुझे मदर से मिला है, हर एक क्रोमोसोम के जैसा एक और क्रोमोसोम है, ठीक है, तो 23 जो आपको फादर से मिले हैं उन 23 के जैसे आपको मदर से मिलते हैं, तो फादर से आया हुआ एक और मदर से आया हुआ एक ये मिलकर एक जोड़ी बनाते हैं। तो ये जोड़ी जो है ये बनती है जब मियोसिस हो रहा होता है उस वक्त, तो ये कहलाता है साइनाप्सिस, और जो पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम है वो जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है वो कहलाता है बायवेलेंट। तो ये आपको जाइगोटीन के अंदर नजर आता है। थर्ड जो स्टेज होता है हमारे पास, सब स्टेज होता है, ये अभी प्रोफेज ही चल रहा है। कैसे पता मुझे प्रोफेज चल रहा है? क्योंकि अभी तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो सलामत है, अभी तक न्यूक्लियस के अंदर कोई चेंज आना शुरू नहीं हुआ, ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ना सेंट्रियोल के अंदर कोई जो है वो आपको वो बनना शुरू नहीं हुआ, स्पिंडल फाइबर बनना शुरू नहीं हुआ, इसका मतलब अभी प्रोफेज चल रहा है ना। पैकेटीन की अगर हम बात करें तो पैकेटीन के अंदर ये होता है कि आपके जो दो क्रोमोसोम थे, होमोलोगस क्रोमोसोम थे, उनके दरमियान जो जोड़ी बनी थी जिसे आपने साइनाप्सिस कहा था, तो वो जोड़ी जो है वो एक अट्रैक्शन की वजह से बनी थी, उनके दरमियान एक फोर्स थी जो कि उन्हें जोड़ के रख रही थी। अब वो फोर्स जो है वो डिक्रीज होना शुरू होती है, जिसकी वजह से जो दो क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आए थे वो एक दूसरे से बिछड़ना शुरू होते हैं, ठीक है। अब ये जो बिछड़ना शुरू होते हैं तो ये पूरी तरह बिछड़ नहीं पाते, और ये जो क्रोमोसोम है ये कुछ ना कुछ पॉइंट से जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो ये जो पॉइंट्स हैं इन्हें हम नाम देते हैं कियाज़मेटा का। अब मैं अगर आपको बना के दिखाऊं,
यहीं पर बनाते हैं, ठीक है। ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और ये आपके पास ये क्रोमोसोम है एक, ठीक है, और ये क्रोमोसोम है दूसरा। इनके दरमियान फोर्सेस थी, ठीक है। अब मैंने आपको पहले जब बना के दिखाया था तो मैंने पूरे उसमें फोर्सेस बनाई थी, ठीक है। ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है जो कि इन्हें होल्ड करके रखनी है, जो कि ये साइनेप्सिस बनवा रही है। अब ये फोर्सेस टूटना शुरू होती हैं, लेकिन फॉर सपोज कर लें इस पॉइंट के ऊपर ये फोर्सेस सलामत है, इस पॉइंट के ऊपर ये फोर्सेस सलामत है, बाकी एरिया जो है वहाँ से ये फोर्सेस ख़त्म हो रही हैं, तो ये सेपरेट होने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये जो पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये अभी भी अटैच हैं, ये पॉइंट्स जो हैं ये कहलाते हैं कियाज़मेटा, ठीक है। तो इन कियाज़मेटा के ऊपर होता क्या है, इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। तो ये एक चीज़ है जो कि आपको पेगिडीन के अंदर देखने को मिलती है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आपको देखने को मिलती है, मैंने आपको बताया था कि क्रोमोसोम अब तक कैसे नज़र आ रहे थे, क्रोमोसोम अब तक बहुत बारीक बारीक नज़र आ रहे थे। अब क्रोमोसोम जो है, जो एक क्रोमोसोम है जिसके अंदर दो धागे थे, वो दोनों एक दूसरे से स्प्लिट होते हैं। यानी पहले अगर आप देखते हैं ना क्रोमोसोम को, तो क्रोमोसोम इस तरह नज़र आता है, ये एक क्रोमेटिड है और ये दूसरा क्रोमेटिड है, ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हैं इस तरह से। अब ये दोनों बीच से स्प्लिट होना शुरू, ये एक क्रोमोसोम है पूरा, अब ये बीच से स्प्लिट होना शुरू होते हैं और प्रॉपर शक्ल अख्तियार करना शुरू करते हैं। तो अब आपको जो क्रोमोसोम जुड़े हुए नजर आएंगे, यानी जो बायवेलेंट था आपके पास, वो कुछ इस तरह का नजर आएगा। ये सेंट्रोमियर है, ये एक क्रोमेटिड है, ये दूसरा क्रोमेटिड है, ये पूरा एक क्रोमोसोम है। इसके ये जो दो क्रोमेटिड थे, एक ये पूरा और एक ये पूरा, पहले ये बिल्कुल साथ चिपके हुए थे, अब ये सेपरेट हो गए। ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है। ये दूसरा क्रोमोसोम है, इसके भी जो क्रोमेटिड थे वो एक दूसरे से सेपरेट हो गए, और ये दोनों ये आपस में यहाँ पर कनेक्टेड हैं और यहाँ पर कनेक्टेड हैं। तो अब अगर आप गौर करें, अब आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर दो टोटल क्रोमोसोम हैं, और अगर आप धागे काउंट करें तो चार टोटल धागे हैं। ये एक धागा है पूरा, ये दूसरा धागा है, ये तीसरा धागा है, ये चौथा धागा है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर दो क्रोमोसोम हैं, इस वजह से इसको नाम देते हैं बायवेलेंट का, जो कि आप पहले से देते आ रहे थे, लेकिन अब मुझे नज़र आ रहा है कि इसके अंदर चार अलग अलग धागे हैं, तो इसको हम नाम फोर क्रोमेटिड्स हैं इसके अंदर, तो इस फोर क्रोमेटिड्स की वजह से हम इसे नाम देते हैं टेट्रार्ड का, ठीक है। तो अब इसे बायवेलेंट टेट्रार्ड का नाम भी देते हैं, तो बायवेलेंट भी कह सकते हैं यहाँ पे से, और चूंकि चार धागे आपको इंडिविजुअली नज़र आ रहे हैं तो आप इसे टेट्रार्ड का नाम भी दे सकते हैं। तो ये पैक्रिटीन के अंदर आपको देखने को मिलता है जब स्प्लिटिंग होना शुरू होती है क्रोमोसोम के अपने अंदर। इसके बाद जो सब स्टेज होता है वो डिप्लोटीन होता है। डिप्लोटीन के अंदर बहुत आसान सा काम होता है, इसके अंदर एक काम होता है जिसे हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। मैंने आपको बताया था कि ये जो क्रोमोसोम है, ये स्टिल ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है। ये क्रोमोसोम स्टिल कुछ पॉइंट से क्या है, आपस में अटैच है। इन पॉइंट्स को हमने नाम दिया था कियाज़मेटा का। तो इन कियाज़मेटा के ऊपर हो ये रहा होता है कि इसका कुछ पार्ट उठ के यहाँ आ जाता है, इसका कुछ पार्ट उठ के यहाँ आ जाता है। सिमिलरली यहाँ से कुछ पार्ट उठ के यहाँ आ जाता है, यहाँ से कुछ पार्ट उठ के यहाँ आ जाता है। ये प्रोसेस कहलाता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में ये जो दो क्रोमोसोम्स है, ये कौन से क्रोमोसोम थे, ये वाला और ये वाला, ये कहलाते थे होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम जो है, ये अपने कुछ पार्ट्स एक्सचेंज करते हैं, अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, इसको हम नाम देते हैं क्रॉसिंग ओवर। और इसके नतीजे में ही आपके पास वेरिएशंस आते हैं, क्योंकि अब अगर आप गौर करें तो ये वाला जो धागा है और ये वाला जो धागा है, ये एग्जैक्टली सेम नहीं रहे। पहले मैंने आपको बताया था कि एक क्रोमोसोम के अंदर जो दो धागे हैं, ये एग्जैक्टली सेम है। सिमिलरली इस क्रोमोसोम के अंदर भी जो दो धागे थे वो एग्जैक्टली सेम थे, क्योंकि ये एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी थे। इनको हमने नाम दिया था क्रोमेटिड्स का, इनको भी हमने नाम दिया था क्रोमेटिड्स का। लेकिन अब जब इन दो क्रोमोसोम ने आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की, ठीक है, तो अब इसके ये दो क्रोमेटिड एक जैसे नहीं रहे, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन उठ के यहाँ से उधर चली गई और कुछ नई इन्फॉर्मेशन उठ के यहाँ से इधर आ गई, तो अब ये दोनों क्रोमेटिड एक जैसे नहीं रहे। तो इसी वजह से आती है क्रॉसिंग ओवर, इसी वजह से आती है वेरिएशन क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में। तो ये काम होता है डिप्लोटीन के अंदर, जिसको हम नाम देते हैं, ये चौथा सब स्टेज होता है प्रोफेज वन का। इसके बाद जो लास्ट सब स्टेज होता है वो कहलाता है डायकाइनेसिस। अब यहाँ पर आकर जो है वो आपका जो प्रोफेज वन है वो ख़त्म हो रहा है।
कैसे पता मुझे प्रोफेज वन ख़त्म हो रहा है? उसका रीज़न ये है कि जो चेंजेस आपको प्रोफेज के ख़त्म होने पे नज़र आते हैं, वो चेंजेस मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। जो न्यूक्लियोलाय है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर एक बॉडी होती है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलाय, ये न्यूक्लियोलाय जो है ये डिसअपेयर हो रहा है। इससे में लड़ी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपेयर हो रही है, ठीक है। इसके अलावा माइटोटिक एपरेटस जो है, जो स्पिंडल फाइबर्स हैं जो कि यहाँ से बनेंगे, सेंट्रियोल से बनेंगे, वो स्पिंडल फाइबर जो है वो बनना शुरू हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ मुझे नज़र आती है, जो कियाजमेटा है जो कि इन दोनों के दरमियान कनेक्शन थे, वो अब खुलना शुरू हो रहे हैं और वो सेंटर से बाहर की तरफ जाना शुरू होते हैं। यानी जिन जिन पॉइंट्स के ऊपर ये आपस में जुड़े हुए थे वो अब सेपरेट होना शुरू होते हैं। और जिस तरह आप बैग की जिप खोलते हैं, ये अगर आपका बैग है और ये पॉइंट है जहाँ पर दो जिप्स होती हैं जो सेंटर में है, ठीक है, तो ये जिप इस तरफ और इस तरफ जाना शुरू होती है। तो ये कियाजमेटा जो है ये ख़त्म होना शुरू होते हैं और टूवर्ड्स दी एंड जो है ये जाना शुरू होते हैं। तो ये सारे चेंजेस जो है आपको नज़र आते हैं किसमें, डायकाइनेसिस के अंदर। तो अगर मैं ये न्यूक्लियस बनाऊँ तो सेल मेम्ब्रेन सलामत है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो अब गायब हो रही है, जो न्यूक्लियोलस है वो गायब हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो सेंट्रियोल थे वो एक वहीं रह गया और एक अपोजिट साइड पर जा रहा है, ठीक है, ये सेंट्रियोल इसके अंदर ये अपोजिट साइड पर जा रहा है। इससे बनना शुरू हो गए क्या, स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो गए। अच्छा, यहाँ पर जो क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है, इसका होमोलोगस क्रोमोसोम, इनके दरमियान जो फोर्सेस थी, जो साइनाप्स, जो कियाजमेटा थे, वो अब खुलना शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो और ये खुलते खुलते जो है ये सेंटर से पेरीफ्री की तरफ जा रहे हैं, किनारों की तरफ जा रहे हैं। तो अब ये बस एंड पर कुछ बॉन्डिंग रह जाती है जिससे ये अभी भी एक दूसरे के साथ अटैच हैं, बस एंड पर, वरना पहले डिफरेंट एरियाज़ के ऊपर जो है ये बॉन्डिंग थी, लेकिन अब सिर्फ एंड पर रह गई है। तो ये जो स्पिंडल फाइबर है ये आकर इन्हें पकड़ लेंगे, एक तरफ के स्पिंडल फाइबर इसको एक तरफ से पकड़ेंगे और दूसरी तरफ के स्पिंडल फाइबर दूसरे क्रोमोसोम को पकड़ेंगे और फिर अगले स्टेज के अंदर आप देखेंगे कि इनको अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर ख़त्म होता है डायकाइनेसिस, और डायकाइनेसिस के साथ साथ यहाँ पर ख़त्म हो जाता है प्रोफेज वन। ये इतना डिटेल था, दैट इज़ वाई इसमें बहुत टाइम लगा, आगे के जो स्टेजेस हैं वो ईजी हैं।